रेल न्यूज़, रेल अपडेट और रेल नॉलेज की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल रेल दोस्त रोहित को सब्सक्राइब करें। साथ में अपडेट जल्दी पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर सेट करें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आपका फिर से मेरे YouTube चैनल RDR पर। आज की रेल इन्फॉर्मेशन में पहली अपडेट कुछ ट्रेनों के एक्सटेंशन को लेकर है। पहली ट्रेन एक मेमू ट्रेन का विस्तार किया जा रहा है। मैंने कुछ दिन के पहले की अपडेट में बताया था कि बिहार के दानापुर और रघुनाथ के मध्य चलने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन को बक्सर तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसकी मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। रेलवे कल से इस ट्रेन को दानापुर और बक्सर के मध्य ऑपरेट करेगा। कल दानापुर से चलने वाली 03-77 मेमू ट्रेन बक्सर तक जाएगी और वापसी में 03-78 ट्रेन बक्सर से ही शुरू होगी। दूसरी ट्रेन ईस्ट कोस्ट रेलवे की ट्रेन नंबर 08-03 और 04 विशाखापट्टनम रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का विस्तार भवानीपाटना तक किया जा रहा है। इस ट्रेन को विशाखापट्टनम से 27 दिसंबर को भवानीपाटना के लिए रवाना किया जाएगा और भवानीपाटना से 28 दिसंबर से संचालन शुरू किया जाएगा। अगली अपडेट, एक और ट्रेन का विस्तार रेलवे करने जा रहा है। मध्य प्रदेश के भीड़ और खंडवा के मध्य चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को सनावद तक विस्तार किया जाएगा। इसके लिए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। खंडवा सनावद सेक्शन का गेज कन्वर्जन होने के बाद इस सेक्शन पर पहली बार पैसेंजर ट्रेन को चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। कुछ ही दिनों में इस ट्रेन को विस्तार करने की डेट अनाउंस की जाएगी। अगली अपडेट, रेलवे बोर्ड से एक और नई ट्रेन को मंजूरी मिल चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मध्य एक नई मेमू पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस ट्रेन का रूट वाया फतेहाबाद, चंद्रवतीगंज, रतलाम, मंदसौर होकर संचालित की जाएगी। यह ट्रेन उज्जैन से सुबह 9:50 पर रवाना होकर चित्तौड़गढ़ शाम 4:30 पहुंचेगी और वापसी में चित्तौड़गढ़ से 10 मिनट बाद 4:40 पर रवाना होकर उज्जैन रात 10:30 पहुंच जाएगी। इस ट्रेन की सर्विस रोजाना देखने को मिलेगी। बहुत जल्द इस ट्रेन को भी चलाने के आदेश मिल सकते हैं। अगली अपडेट, रेलवे द्वारा कुछ और ट्रेनों के नए ठहराव जल्द शुरू किए जाएंगे, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस गाइस, आज की अपडेट में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद जय भारत।